मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में, आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। बिहार के दरभंगा में है एक ऐसा सरकारी स्कूल, सड़क पर पॉलिथीन डालकर पढ़ते हैं 174 बच्चे, पशु खटाल में बनता है मिड डे मील, बच्चों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर बिहार के दरभंगा से है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद योग्य शिक्षकों की सूची बनाकर सरकार को दे रहे हैं, ताकि बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई उड़ान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक अपने सख्त अंदाज में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में दिन रात एक किए रहते हैं। चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टियों की कटौती हो या फिर शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचकर स्कूल का संचालन कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं सरकार और उनके मुलाजिम नए शिक्षक भर्ती के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते थकते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड के रसियारी पंचायत के सिरसिया गाँव स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय की यह तस्वीर है, जहाँ बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है। इस विद्यालय के शिक्षक सड़क पर पॉलिथीन टांगकर पढ़ाने को विवश हैं। विद्यालय का भवन और जमीन नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 5 तक के 174 नामांकित बच्चों की पढ़ाई वर्षों से सड़क पर ही संचालित हो रही है। इसमें 98 लड़के और 76 लड़कियां हैं। जमीन और भवन के अभाव में स्कूल का मिड डे मील पशु खटाल में बनता है। सड़क के दोनों किनारे बच्चे बैठकर खुले आसमान के नीचे भोजन करते हैं। स्कूल की शिक्षिकाएं और छात्राएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। प्रशासनिक स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो मतलब 6 महीना पहले लिख के दिए कि ये जमीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। CO साहब को लिख के दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए और इसका NOC कर दीजिए। NOC हो जाएगा तो मनरेगा से इसका मतलब भराई भी चालू हो जाएगा, स्थल विकास का काम हो जाएगा, हमारा विद्यालय वहाँ बन जाएगा। वहीं स्तर से लेट है और तो कोई लेट है नहीं, हम लोगों के स्तर से कोई कमी नहीं। तो हम बोले हम 11 से ही संचालित हो रहा है और 5 साल के लिए वो कटहल में जो है शिफ्ट हुआ था विभागीय आदेश के अनुसार, और फिर यहाँ आ गया 18 में ही आ गया। फिर 18 में तब से ऐसे ही संचालित हो रहा है जी। दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही चलता। पहले दरवाजे अच्छे थे तो इसी दरवाजे पे चलते थे, ये भी दरवाजे ही थे, अब तो इसी बीच में बना है। यदि जी जी पैसा नहीं लेते हैं और जमीन दान में भी 3 कट्ठा वैसे ही दिए हैं, वैसे ही बिना पैसा के ही। बाथरूम तो यहाँ पे कोई अति सरकारी है ही नहीं, निजी है, और नहीं तो बच्चे खुले में शौच जाते हैं। जमीन कोई नहीं, नहीं सर अच्छे से पढ़ाई होता, उधर जाते हैं खेत की तरफ। इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, पर बट है तो है। अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो तो प्रिंसिपल से जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन, अब आए के काम तो वही समझेंगे। बहादुरपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि भवन में बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अश्विनी कुमार एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूमा कुमारी की संयुक्त अध्यक्षता एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के जिला समन्वयक नारायण मजूमदार और अजय कुमार के संचालन में प्रखंड बाल संरक्षण समिति की बैठक तथा बहादुरपुर प्रखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण कुमार झा, शिव प्रसाद, शिव गंगा देवी, मधुलता देवी और रोहित कुमार ने प्रखंड अंतर्गत चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए सबों ने बारी बारी से स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद,
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिलाधिकारी का ध्यान इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हुए यथोचित सहयोग हेतु आग्रह किया गया। स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी संस्था यूनिसेफ की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर विचार के लिए आयोजित हुई बैठक। दरभंगा जिले में धरातल पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में जिले के सहयोगी संस्थाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। वर्ष 2023 में स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी संस्था यूनिसेफ की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर विचार के लिए बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक को सिविल सर्जन ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग को जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोगी संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। नियमित टीकाकरण में यूनिसेफ का अच्छा सहयोग मिल रहा है, लिहाजा टीकाकरण के मामले में हमारी उपलब्धियों में लगातार सुधार हो रहा है। DEO डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि यूनिसेफ सहित अन्य संस्थाओं के तकनीकी सहयोग एवं प्राप्त सुझाव के कारण नियमित टीकाकरण और VHSND कार्यक्रम में हमारी उपलब्धियों में लगातार वृद्धि हो रही है, लिहाजा पूर्ण टीकाकरण एवं संपूर्ण टीकाकरण के साथ साथ UWIN पर एंट्री करने में पूरा सहयोग मिल रहा है। सर्वे एवं ड्यू लिस्ट को अद्यतन करने में तकनीकी सहयोग मिल रहा है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। मैडम है जहां, लेडीज फैशन है वहां। महिलाओं के लिए दरभंगा शहर में खुल गया पहला एक्सक्लूसिव मैडम लेडीज वेडिंग मॉल दरभंगा टावर पर ब्रह्मस्थान के सामने। इसमें महिलाओं के लिए सभी प्रकार की साड़ियाँ, सूट, लहंगा, सलवार सूट, गाउन, क्रॉप टॉप समेत बहुत। हमारा प्रयास महिलाओं को सही दाम में लेटेस्ट फैशन उपलब्ध करवाना। वर्षों से स्थापित ब्रांड पुरुषम की नई पेशकश। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्टिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर। डॉन बॉस्को स्कूल BB पाकर दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल। डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. 6 जनवरी को फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरे का किया जाएगा आयोजन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला स्तर पर उर्दू के विकास तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू के कार्यान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तर पर कार्यशाला सब फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरे का आयोजन 6 जनवरी 2024 को सुबह 10:30 बजे प्रेक्षागृह कला प्रदर्शनी केंद्र लहेरिया सराय में किया जाएगा। उन्होंने उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी स्तर के विद्यालयों में कार्यरत उर्दू शिक्षक तथा मदरसों के सभी शिक्षकों को इस कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करवाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध किया है। पंचायत उपनिर्वाचन 2023 हेतु बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष। पंचायत उपनिर्वाचन 2023 हेतु बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष। मतगणना की समाप्ति तक 3 पालियों में 24 घंटे संचालित होगा नियंत्रण कक्ष। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के निर्देश के आलोक में पंचायत उपनिर्वाचन 2023 को संपन्न कराने हेतु प्रक्रिया चल रही है। इस निमित्त निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो मतदान की तिथि के 2 दिन पूर्व से लेकर मतगणना समाप्ति की तिथि तक 3 पालियों में 2400 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0627224060 है। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक दरभंगा जिले के
जाले प्रखंड के दोघड़ा पंचायत एवं काजी बहेड़ा पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, केवटी प्रखंड के माधोपट्टी पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, बहादुरपुर प्रखंड के बरुआरा पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, कीरतपुर प्रखंड के जमालपुर पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, बहेड़ी प्रखंड के धनौली पंचायत में पंच पद हेतु, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के महिसौत पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु तथा कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरौली पंचायत में पंच हेतु मतदान कराया जाना है। जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिनका मोबाइल नंबर 9431005040 तथा वरीय पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, मोबाइल नंबर 9473191318 कार्य करेंगे। जीविका कौशल रथ को डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंडों के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर युवकों और युवतियों को किया जाएगा जागरूक। जिला मुख्यालय स्थित जीविका कार्यालय से डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी ने जीविका कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि कौशल रथ जिले के सभी 18 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण कर सभी युवक युवतियों को वीडियो फिल्म के जरिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारियां दी जाएगी। इससे हुनरमंद बनने और रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य युवाओं में जागरूकता का संचार होगा। बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवक युवतियों के कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी उद्देश्य कौशल रथों का परिचालन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस अवसर पर जीविका के जिला संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।